नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद में देर रात एआरटीओ की गाड़ी में अज्ञात लोगों द्वारा जीपीआरएस डिवाइस लगाए जाने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एआरटीओ ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाने की मांग की। आपको बता दें, शामली जनपद की एआरटीओ की गाड़ी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी चालक बाबूराम चलाता है। बताया जा रहा है कि देर रात वह अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी करके सोया हुआ था। इसी दौरान रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्विफ्ट गाड़ी में सवार दो अज्ञात लोगों ने एआरटीओ की गाड़ी में जीपीआरएस डिवाइस लगा दी। वहीं अज्ञात लोगों द्वारा एआरटीओ की गाड़ी में जीपीआरएस डिवाइस लगाने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एआरटीओ की गाड़ी खड़ी हुई है और तेज रफ्तार स्विफ्ट गाड़ी आती है, जिसमें एक युवक तेजी से एआरटीओ की गाड़ी के पास पहुंचता है। नीचे बैठकर जीपीआरएस डिवाइस लगा रहा है और बाद में स्विफ्ट गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। वहीं इस बात की सूचना सुबह जब मोहल्ले के लोगों ने एआरटीओ के चालक बाबूराम को दी, तो उसने इस मामले से अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया। एक सीसीटीवी फुटेज मेरे पास संज्ञान में आया था, इसमें एक व्यक्ति एक गाड़ी से उतरता है, स्विफ्ट नाम की गाड़ी थी, और उसमें से मेरी गाड़ी में जीपीएस लगा के चलता बना। उसकी संज्ञान लिया मैंने और कोतवाली पुलिस को सूचना दी है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। ये थोड़ा सा प्राइवेसी को हर्ट करने वाली चीज़ थी, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, ये सब मेरी प्राइवेसी लीक हो रही। और दूसरी बात, जो लोकेशन देते हैं, मुझे लगता है उन्हीं का काम है जो मेरी गाड़ी को ट्रेस करते हैं कहाँ कहाँ जा रही, ताकि मैं वो लोड को ना रोक पाऊँ। मैं ये नहीं जानता कौन इसके पीछे है कौन नहीं है, ये तो पुलिस जानकारी बताएगी। मैं तो अपनी सूचना जीपीएस जो लगा था वो भी पुलिस के हवाले कर दिया है और अपनी जो सच सूचना थी वो दे दी है, जो भी पुलिस का कार्रवाई करेगी। अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई मेरे साथ, लेकिन हाँ, अगर ऐसी बार बार होता है तो कुछ भी हो सकता है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।